आज जो है देश के किसान, जो है दिल्ली को घेर लिया है। बिल्कुल ही दिल्ली को जो है ना सांस लेने के लिए उनको नहीं हो रहा है। पूरे सभी जितने रोड वहाँ पर है, सभी हाईवेज को बंद कर दिया गया है। लाखों में नहीं, आज करीब 2 करोड़ किसान दिल्ली को घेर लिए हैं। 20वां दिन है आज, 20th day टुडे। लेकिन जो किसान विरोधी 3 कानून जो लाए हैं उसे वापस लेना चाहिए था। अगर कोई जमहूरियत में लोगों का बात सुनना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट, लेकिन सुन नहीं रहे। बल्कि उन्होंने ये जो बहुत बड़ा एक भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक जन आंदोलन को तोड़ने के लिए आज कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये फैसीवादी जो सरकार है दिल्ली में बैठी है, ये बहुत दिन नहीं चलेगी। इसलिए आज जो है हम लोग पूरे देश भर में धरना बैठे हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक तीनों जो काला कानून लाए हैं, कृषि विरोधी कानून जो लाए हैं, उसको आप जब तक वापस नहीं लेंगे, पूरे देश भर में हर जिले में हम लोगों ने यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये चलते रहेगा धरना। इसके साथ साथ ये कर्नाटक के जो बीजेपी सरकार है, जो RSS से इसके ऊपर चलती है, उन्होंने गए जो विधानसभा में जो ये गोहत्या कानून उन्होंने पास कर लिया है, और उसे काउंसिल में अपर हाउस में अभी लाने वाले हैं। अभी डीलिंग क्या होगा क्या पता नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये गोहत्या एक चीज़ जो है ना पूरे कर्नाटक का देश का एक आर्थिकता को पीछे लेके जाने वाली चीज़ है। और जो हमारा राइट जो है, जो राइट टू फूड, राइट टू चॉइस ऑफ आवर फूड, कोई भी हम खाना खा सकते हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उसको इन्होंने हमारे संविधान का जो ये है दिक्कत है उसको तोड़ने के लिए ये RSS का जो ये हुनर है, इसको इसके चलते हुए इन्होंने माइनॉरिटीज को जो है ना तबाह करने के लिए और माइनॉरिटीज को जो है कॉर्नर करने के लिए सब कर रहे हैं। इसके खिलाफ़ में पूरे कर्नाटक के जितने भी जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस है, जो लोग हैं यहाँ, जो अच्छे जान पहचान वाले, जो अच्छे ये रखने वाले, सभी लोग जो है इसके खिलाफ़ में लड़ेंगे। और इनका जो लैंड रिफॉर्म्स जो एक्ट जो हो गया है, जो JDS जो बोलते थे कि हम किसान के साथ पे हैं, आज जो है उन्होंने उनके BJP के साथ में डील कर लेके उनको जो है पास करने के लिए काउंसिल में, BJP को मेजोरिटी नहीं था, फिर भी JDS उनके साथ में ठहर के एक जो है ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को इन्होंने पास कर लिया है। इसके खिलाफ में भी जो है ना हम लोग यहाँ कर्नाटक के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, कर्नाटक के जितने भी किसान हैं, खेत मजदूर है, सब मिल के वुमेंस है, वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट और सभी मिल के इसका कड़ी तरह से हम लोग इसको विरोध करेंगे। ये जो धरना है इसे चलते रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा।